good evening all of you let's start with today's class i request everyone to join in very good evening let's start i'm going to teach you top 50 plus counterfeits today start hain class kesat i request everyone to join in good evening devank good evening all of you to each and every one of you who is watching i request sublog session ko like adhafaratse एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को अगर आप लोग न्यू हैं राइट आई एम टेकिंग दीज काइंड ऑफ क्लासेज फॉर ऑल ऑफ यू रोज़ ये लाइव क्लासेस हो रही होती हैं प्लीज़ अटेंड दीज क्लासेज एंड इन क्लासेस को मैक्सिमाइज करो इनका मैक्सिमम यूज करो राइट right? स्टार्ट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल सी यू ई टी बाई गोकुल टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लो सब कॉलेज अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी चाहे वो फॉर्म फिलिंग है कि कब फॉर्म फिल करना है कैसे फिल करना है सब इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी लाइव अपडेट्स सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को मिल रही होती है गुड इवनिंग देवांग गुड इवनिंग यश याश्विन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यूर हियर्स सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं is the head of the commission recently set up to examine the स्केड का स्टेटस ऑफ the converted दलित जो दलित हैं converted दलित है वो non हिंदू uh, non हिंदू अगर कास्ट में चेंज हो रहे हैं क्रिश्चियन बन जा रहे हैं मुस्लिम कन्वर्ट हो रहे हैं दलित्स तो हम लोग जो हैं उनको आ, क्या बोलते हैं क्या अभी भी उनको दलित की रिजर्वेशन स्टेटस क्या उनको अभी भी मिलेगा इन सब क्वेश्चंस को डील करने के लिए जस्टिस के जी बालाकृष्णन जो है एक कमिटी सेटअप हुई है उसको हेड कर रहे हैं हमारे फॉर्मर सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जी बालाकृष्णन उनका नाम है इस कमीशन को लीड कर रहे हैं राइट डेफिनेटली yes, yes, आप लोग कर लीजिए राइट ऑप्शन के जी राइट आंसर right right है टू एग्जाम in uh, uh, में जो कन्वर्ट हो गए हैं राइट ए इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लाइफ इंश्योरेंस Corporation of India have decided to sell how much of their per percentage stake in the IDBI bank? Right. सो आई डी बी आई बैंक में कितना परसेंट स्टेक उन्होंने डिसाइड किया है सेल करने का सेंट्रल गवर्नमेंट और एल आई सी कह रहे हैं अब हम आई डी बी आई बैंक का स्टेक कुछ सेल ऑफ कर देंगे सिक्सटी परसेंट स्टेक हम लोग सेल कर देंगे दैट्स दे हैव डिसाइडेड नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोर फॉर बैंकिंग न्यूज इतना हमें डीप डाइव नहीं करना है बैंकिंग न्यूज में हम लोग इसको छोड़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन चेयरमैन कौन बन गया है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया एक बॉडी है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के चेयरमैन कौन बन गए हैं

राइट हाय सेफ हाय अंशुल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द जापानीज ग्रैंड अवार्ड अवार्ड जापानीज ग्रैंड हैज बीन वन बाय मैक्स वर्स्टेपन सी द राइट आंसर मैक्स वर्स्टेपन ने जापानीज ग्रैंड फ्री जीता है ग्रैंड फ्री की लिस्ट आप लोग एक बार लास्ट में देख जरूर लिएगा ठीक है ग्रैंड प्री अवार्ड स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो होते हैं ना बहुत काफी आ जाते हैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में आता है क्रिकेट जरूर पूछा जाता है क्रिकेट रेसलिंग स्विमिंग काफ़ी पूछा जाता है राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट एथलीट जिसने गोल्ड जीता है योग आसन में योग आसन पहले हेल्थ के लिए होता था है कि फिट रहने के लिए योगा परफॉर्म की जाती थी योगासन का शॉर्ट है योगा तो अब योगासन जो है अब और भी चीज़ों के लिए जो है यूज़ किया जाता है बेसिकली कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पिटिशंस के लिए भी यूज किया जाता है थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स में फर्स्ट एथलीट कौन बन गया है जिसने गोल्ड जीता है योग आसन में करेक्ट आंसर आप लोग बताइए फर्स्ट एथलीट टू विन गोल्ड इन योग आसन एट द थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स द करेक्ट आंसर इज पूजा पाटिल पूजा पटेल जो है डी इज द राइट आंसर जिन्होंने ये मेडल जीता है योगासन में वेरी इंपॉर्टेंट फीमेल है ये मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हो गई है एंड ये अखिलेश यादव जो करंटली प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव उनके फादर थे मुलायम सिंह यादव फॉर्मर यूपी के सीएम रह चुके हैं यूपी इज राइट आंसर यूपी के सीएम अब कौन है योगी आदित्यनाथ एंड गवर्नर कौन है इसके गवर्नर इज इस, इस, दिस आनंदीबेन पटेल आनंदीबेन पटेल ठीक है हाय यश अच्छे से पढ़ो सब लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को देख लो एंड डू लाइक दिस सेशन फॉर श्योर यू पी इज द राइट आंसर डी इज द राइट ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एफ आई एच मीन्स इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हैज बीन गिवन टू हिम हरमनप्रीत सिंह इज द राइट आंसर ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल होस्ट थर्टी अच्छा अभी थर्टी सिक्स एडिशन हुआ है गुजरात में नेशनल गेम्स का ठीक है थर्टी सिक्स एडिशन हुआ है गुजरात में गुजरात में अभी अभी हुआ है थर्टी सिक्स एडिशन एक सेकेंड गुजरात में हुआ है थर्टी सिक्स एडिशन तो अब थर्टी सेवेंथ एडिशन पूछ रहे हैं थर्टी सेवेंथ एडिशन कहाँ पर होगा थर्टी सेवंथ एडिशन विल बी हैपेंड आई मीन विल टेक प्लेस इन गोवा गोवा में होने वाला है गोवा के सीएम कौन है प्रमोद कुमार ठीक है एंड श्रीधरन पिल्लई इसके गवर्नर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक बार जरूर क्रॉस uh, चेक कर लीजिएगा श्रीधरन पिल्लई गवर्नर है गोवा के एंड सी एम है इसके सी एम ऑफ गोवा इज प्रमोद कुमार ठीक है प्रमोद सावंत नॉट कुमार प्रमोद सावंत उनका नाम है एंड अगर हम गवर्नर देखें गोवा के गवर्नर कौन है गोवा के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई ठीक है नेक्स्ट देखो विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज़ इंडिया का फर्स्ट ट्वेंटी फोर सेवन सोलर पावर्ड विलेज सोलर पावर्ड का मतलब क्या होता है सन एनर्जी यूज़ करेगा सन एनर्जी से रन करेगा ये विलेज सन एनर्जी यूज करने वाला है सोलर पावर्ड विलेज कौन सा फर्स्ट विलेज बन गया है ट्वेंटी फोर सेवन सोलर पावर्ड पे चलेगा करेक्ट आंसर इज इज मोधेरा मोधेरा द राइट आंसर एंड मोधेरा जो है तमिलनाडु में है तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टेलिन एंड तमिलनाडु के गवर्नर है गवर्नर है इसके आर एन रवि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं ये स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर यूथ मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की भी पोर्टफोलियो है उन्होंने इनाग्रेट किया है वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कौन से स्टेट में आ रहा है वाटर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ये जो आ, करा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज कमिंग इट इज कमिंग अप इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में आ रहा है जयराम ठाकुर इसके सी है हिमाचल प्रदेश के ठीक है पता होना चाहिए हि हिमाचल प्रदेश के आ, चीफ मिनिस्टर है अच्छा ट्वेंटी ट्वेंटी टू में गॉट चेंज्ड ठीक है तो करंट जयराम ठाकुर वाज आई गैस इट गॉट चेंज एक बार हम चेक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह है अब सुखविंदर सिंह जो हैं अब चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के ठीक है ओनली दिसंबर में ही हुआ था अभी ये ठीक है तो आप लोग को पता होना चाहिए एंड हिमाचल प्रदेश के सी पहले थे जयराम ठाकुर अब सुखविंदर सिंह है एंड अरलेकर विश्वनाथ अरलेकर जो है यहाँ के गवर्नर है अरलेकर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंसेज जो है कौन सी सिटी होल्ड कर रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप लोग को पता होना चाहिए इंडिया एंड फ्रांस का इनिशिएटिव है ये

ठीक है इट इज इट इज बींग लॉन्च वेयर इट इज बींग लॉन्च इन इंडिया इंडिया में लॉन्च किया गया है नाम क्या है विदा वी किसने लॉन्च किया है याद रखना हीरो मोटरकॉर कंपनी हीरो मोटरकॉर कंपनी ने लॉन्च किया है विदा वी वन फर्स्ट एवर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्कूटर है ये लॉन्च बाय हीरो मोटरकॉर कंपनी ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये ऑफ दिस लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है स्कूटर्स एंड ऑल की ठीक है टू व्हीलर्स की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है हीरो मोटरकॉर्प ठीक है ऑटोमोबाइल कंपनी है इंडिया की लीडिंग टू व्हीलर कंपनी है ओवर हंड्रेड मिलियन टू व्हीलर्स इसने सोल्ड करे हैं ठीक है नंबर वन पोजिशन भी इसको मिली थी काफी जगह इसको नंबर वन पोजीशन मिली हुई है हीरो मोटरकॉर्प को काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू रूल कि अब एक सिंगल चार्जर आएगा जो चार्जर्स होते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने चाहिए मतलब बहुत सारे चार्जर्स क्रिएट करोगे तो उनको डंप करने में प्रॉब्लम होगी तो एनवायरमेंट के लिए नुकसान हो सकता है तो एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट मोबाइल फोन्स के लिए टैबलेट्स के लिए कैमरास के लिए एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट आएगा, आएगा। आ, कौन से ईयर में लॉन्च होने वाला है बाय इन यूनियन यूनियन ने कर दिया है कि अब अलग-अलग चार्जर नहीं होंगे का, का, हैम 2024 तक? 2024 तक किया है कि ट्टी ट्थ जो है तब तक आपको ये लॉन्च करना है एंड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरोपियन यूनियन ठीक है इंपॉर्टेंट है अब यूरोपियन यूनियन में ट्वेंटी एट स्टेट है ठीक है पहले ट्वेंटी नाइन स्टेट्स थी अब ट्वेंटी एट स्टेट्स हैं जब यूके ने एग्जिट ले लिया था ब्रेक्सिट आपने सुना होगा ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इज द राइट आंसर एंड दिस यूरोपियन यूनियन अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें है, करते हैं तो यूरोपियन यूनियन अब ट्वेंटी सेवन स्टेट्स का है रादर ट्वेंटी एट स्टेट्स नहीं है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन थे फिर ट्वेंटी एट हो गए अब ट्वेंटी सेवन स्टेट्स हैं जब यूके ने ब्रेक्सिट ले लिया ब्रेक्सिट मीन्स ब्रिटेन गॉट एग्जिट फ्रॉम यूनाइटेड दिस यूरोपियन यूनियन इसने एग्जिट ले लिया यहाँ से ठीक है तो अब uh, बहुत सारी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं यू के अंदर ठीक है जैसे डच बल्गेरियन क्रोशियन जेच हंगेरियन आयरिश इटालियन ये सब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं याद रखना कैपिटल क्या है यूरोपियन यूनियन की ब्रूसल्स ब्रूसल्स जो कि बेल्जियम में है वो कैपिटल है डी फैक्टो कैपिटल है ठीक है देन ऑफिशियल ट्वेंटी फोर ऑफिशियल लैंग्वेजेज़ हैं इसकी देन बहुत सारे रिलिजन्स हैं और ट्वेंटी सेवन मेम्बर कंट्रीज हैं नीदरलैंड है ऑस्ट्रिया बेल्जियम बल्गेरिया क्रोशिया जेच रिपब्लिक डेनमार्क एस्टोनिया ये सब कंट्रीज हैं इसकी प्रेसिडेंट यूरोपियन काउंसिल के कौन हैं चार्ल्स मिशेल चार्ल्स मिशेल चार्ल्स मिशेल प्रेसिडेंट है यूरोपियन काउंसिल के एंड कमीशन की है उर्सुला वॉन डेर लियन ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट ये यूरोपियन कमीशन की है यूरोपियन काउंसिल के हैं राइट right. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो कि सेलिब्रेट होता है अक्टूबर को अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेट होता है थीम क्या राइट ऑप्शन नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया है कि वो शार्पली कट करेंगे कट करेंगे मीन्स कार्बन एमिशन को शार्पली डिक्लाइन करेंगे डिमिनिश uh, करेंगे फ्रॉम एयर ट्रैवल एयर ट्रैवल में जो फ्यूल वगैरह यूज होता है तो कार्बन यूज होता है अच्छा कार्बन जो है ना एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इट इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तो वाई प्रमोट नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वी विल ऑलवेज प्रमोट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तभी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं हम लोग बेसिकली डीजल और पेट्रोलियम जो कि फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं इनको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो एयर ट्रैवल से हम कार्बन कट करेंगे कितना कब तक कट करेंगे बाय द ईयर ट्वेंटी फिफ्टी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम कार्बन एमिशन्स को बहुत ज्यादा कम कर लें ठीक है देन हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन गोल्ड मेडल किसको मिला है मैंस हंड्रेड मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में थर्टी सिक्स नेशनल गेम जो कि गुजरात में हुए हैं तो किसको मिला है करेक्ट आंसर इज श्री श्रीहरी नटराज श्री श्रीहरि नटराज को हंड्रेड मीटर में फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल मिला है आई एस बी एफ वर्ल्ड बिल्डर्ड्स चैंपियनशिप हुई थी वर्ल्ड बिल्डर्ड चैंपियनशिप हुई थी क्वाल लुमपुर में हुई थी मलेशिया में किसने जीता है पंकज जडवानी मैन हु इज बियॉन्ड एक्सीलेंस ठीक है बियॉन्ड एक्सीलेंस है दिस मैन पंकज अडवानी उनको मिला है games, ही हैज़ वन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप मोस्टली गेम्स यही जीतते हैं इन कोलामपुर मलेशिया फिफ्टी सी जे आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं जस्टिस यू यू ललित के बाद जस्टिस यू यू ललित ओनली केम फॉर सम मंथ्स उसके बाद वो रिटायर हो गए ही वॉज फोर्टी नाइन्थ चीफ जस्टिस अब फिफ्टी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है करेक्ट आंसर डी वाई चंद्रचूड इनके फादर वाई वी चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं नंबर के थे वो ठीक है ए इज द राइट ऑप्शन जस्टिस डी वाई चंद्रचूड देन चंद्रचूडेंडर वैन डर री एलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री एलेक्सेंडर वैन डी बेलिन जो है री इलेक्ट uh, हो गए हैं प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के री इलेक्ट हो गए हैं वो प्रेजिडेंट याद रखना एलेक्जेंडर वैन डी बेलिन सॉरी देखो <coughs> वैसे तो ये तुमसे एकदम से ऐसे एक नहीं पूछते हैं कि इसके प्रेजेंट कौन है Unless हमारे बहुत से रिलेशन हैं उसके साथ जैसे एंथनी एल्बनीस ऑस्ट्रेलिया के हैं तो हमारे बहुत से रिलेशन हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ हम उनके साथ क्वार कंट्रीज भी फॉर्म करते हैं जैसे ठीक है देन तो उनके पूछ सकते हैं दैट्स देट्स आई मेट टू से हु हैज हुज़ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो जियोस्पैथ मीन्स जो कि लिमिटेड है किसी सर्टेन लोकेशन पे लिमिटेड टू सर्टन लोकेशन ठीक है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पैचल इंटरनेशनल कांग्रेस इन हैदराबाद कौन एड्रेस करने वाला हैड्रेस यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पैचल इंटरनेशनल कांग्रेस इन हैदराबाद द करेक्ट आंसर इज नरेंद्र मोदी जी जो हैदराबाद में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पैचल इंटरनेशनल कांग्रेस जो है करने वाले नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कांग्रेस का मतलब इज मीटिंग uh, अभी आप लोग देख रहे हो गीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन नरेंद्र मोदी को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है और जिस गेट अपडेटेड अबाउट इट कि क्या क्या चल रहा है बहुत मैसेव प्रोटेस्ट हो रहे हैं इवन एन डी यू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी काफी जगह यहाँ पे बवाल मच रहे हैं जे एन यूटनिंग तो क्या हुआ है कि केरला में कांग्रेस ने बी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी जो है जो कि 2002 गुजरात राइट्स के बारे में बता रही है उसकी स्क्रीनिंग कर दी है तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो रही है प्रोटेस्ट हो रहे हैं ठीक है इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड आईएमएफ जो है है स्लैश स्लैश मींस कट कर दिया है पहले वो कह रहा था कि 7.4 परसेंट पे जो है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी तो अब वो कह रहे हैं 6.8 परसेंट पर ही रहेगी क्यों उन्होंने कहा है कि पॉलिसी बहुत टाइटन कर दी गई है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अन ईवन डिस्ट्रीब्यूशन है मानसून का ग्लोबल uh, ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है ये सब कारण रखते हुए उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है कम रेट पे ग्रो करने वाली है न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं बार दिस इज नॉट बार काउंसिल दिस इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के बन गए हैं सुनील नो no, नॉट सुनील सर रॉजर बिनी सॉरी न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं बीसीसीआई के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं एंड uh, आप लोगों को पता होना चाहिए बीसीसीआई वाज इन द ईयर 1928 मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है प्रेसिडेंट रॉजर बिनी है सीईओ हे, हेमाग अमीन है वाइस प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट राजीव शुक्ला है सेक्रेटरी जय शाह हैं मेन्स कोच राहुल द्रविड वुमेन्स कोच रामेश कुमार अरुण धमल चेयरमैन है आईपीएल के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन जो है नेशनल टीम को स्पॉन्सर कर रहा है के किलर ट्रांस जो है है कर रहा मास्टर कार्ड टाटा आईपीएल को कर रहा है ड्रीम इलेवनडाई अमूजा सीमेंट स्टार स्पोर्ट्स ये सब जो है स्पॉन्सर कर रहे हैं बीसीसीआई को ठीक है क्योंकि उसको भी तो फंडिंग चाहिए तो क्या होता है कि आप देखो कपड़े पहने होते हैं बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के और वो उनको बेसिकली क्या करता है कि स्पॉन्सर करते हैं कि हमारी भी एडवर्टाइजमेंट हो और आपको फंडिंग भी हम देंगे ठीक है फिर होल टाइम मेंबर कौन बन गए हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कोई ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट सैबी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये नहीं पूछेंगे कि अब होल टाइम मेंबर कौन बन गए हैं बट राधर दे कैन आस्क अबाउट सेबी तो सेबी जब कब फॉर्म हुआ था 1988 में फॉर्म हुआ था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राधर देन जनवरी थर्टीथ नाइनटीन को जो है एस एक्ट आया था फिर एस बी आई इंटू फोर्स आया था नाइनटीन नाइनटी टू को हेडक्वार्टर है इसके मुंबई महाराष्ट्र में ठीक है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसके चेयरमैन कौन है मधाबी पूरी बच है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1988 ठीक है ये फाउंड हुई थी ठीक है फिर इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था मींस एक स्टैट्यूट आया था एक एक्ट आया था इसको बैक कर रहा था तो इसको स्टेटस मिला था 2092 में देन हेड क्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है मधाबी पूरी बच इसके चेयरमैन है और कौन से डिपार्टमेंट है इसके पीछे मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन तो सेबी जो है मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस के अंदर काम करती है और ये सारी एजेंसीज भी

थिंक इट इज इन तमिलनाडु होसुर इज इन तमिलनाडु ठीक है होसुर इज इन तमिलनाडु करेक्ट आंसर यही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो होम द फॉलोइंग एक्टर होम द फॉलोइंग एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस स्पेस में जाकर वो शूटिंग कर रहे हैं वन एन ओलिया टॉम क्रूज बी इज द राइट ऑप्शन टॉम क्रूज जो है फर्स्ट एक्टर बन गए हैं जो शूटिंग करने वाले हैं स्पेस में फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाइन जस्टिस यू यू ललित है देन इंडिया का फर्स्ट सेंचुरी फॉर एनडेंजर स्लेंडर लॉरिस ये होते हैं स्लेंडर लॉरिस इनके लिए एक सेंचुरी बनाई जा रही है मीन थोड़ा पार्क बनाया जा रहा है वेर इज इट कमिंग अप इन तमिलनाडु अगेन ठीक है तमिलनाडु में काफी डेवलपमेंट्स हो रखे हैं रामेश्वरम ब्रिज भी तमिलनाडु में ही है विच ऑफ़ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज इनोग्रेटेड हेली इंडिया हेली इंडिया समिट इन श्रीनगर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में हेली इंडिया करके एक समिट लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य एम्स इंडिया ने किया है जो कि हमारे सिविल एवियेशन मिनिस्टर है ही इज आज सिविल एविएशन मिनिस्टर क्या है ये सब बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की कि अब कितनी डेवलपमेंट होने लग गई है ठीक है बहुत सारी चीज़ों के बारे में ये बात करने वाले हैं बहुत सारी चीजों के बारे में जो है इसी हेली इंडिया समिट में बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होने वाली है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इस समिट को लीड कर रहे हैं ठीक है ए इज द राइट ऑप्शन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया फिर लिविंग प्लान रिपोर्ट हैज बीन लॉन्च बाय वर्ल्ड वाइड फंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ जिसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड ने लिविंग प्लान रिपोर्ट निकाली है इसमें बताए जाएंगे कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ट्रेंड्स की ग्लोबल डाइवर्सिटी को लेकर हेल्थ ऑफ द प्लैनेट को लेकर ये फ्लैगशिप फ्लैगशिप मीन्स इन्होंने इसको लाए है। ये दिस हैज बीन बोर्न बाय दिस बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली तो उसने बोला कि 69 जो है स्पीशीज पॉपुलेशन कम हो जाएंगे वेल कंजर्वेशन एफर्ट्स हेल्प कर रहे हैं अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है तो वर्ल्ड वाइड फंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन रीड मोर अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये राइट right?

करके ये फंड आया है देन चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेड रहता है तो हम लोग कर सकते हैं करेक्ट आंसर करेक्टर ए एम मागरे हैं अब्दुल लातिफ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट बाय विच कंट्री इराक के बन गए हैं ये ठीक है अगेन अपॉइंटमेंट ऐसे इंटरनेशनल कंट्रीज की कम पूछते हैं द इंडियन नेवी हैज कंडक्टेड अ एक्सरसाइज कॉल प्रस्थान प्रस्थान जो है ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया काकी काकीनाडा में हो रही है इंडियन नेवी ने जो है एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश जगनमोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है अच्छा नेवल हमारी नेवी मिनिस्टर कौन है आर हरि कुमार आर हरि कुमार हमारे नेवल मिनिस्टर है चीफ चीफ नेवल ऑफिसर कह सकते हो एंड नेवी डे जो होता है फोर्थ दिसंबर को होता है ठीक है न नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मनी गोल्ड मेडल वन बाई इंडिया एट आई एस एस एफ आई एस एस एफ एक वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था क्रोशिया में इंडिया ने एक गोल्ड मेडल जीता है देन सर्विसेस जो है सर्विसेस ने टॉप किया है मेडल टैली वन ट्वेंटी एट मेडल्स के साथ थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स में बहुत सारी ऐसे अलग अलग वो थे स्लै आई मीन बहुत सारी ऐसे ऐसे ऑर्गनाइजेशन थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सर्विसेज करके जो एक टीम थी उसने गोल्ड मेडल जीते हैं सिक्सटी वन गोल्ड मेडल्स उसने जीते हैं सेक्टर कह सकते हो सिक्सटीन प्रवासी भारतीय दिवस वॉज हेल्थ प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर हुआ था इट वॉज हेल्ड इन वाराणसी वाराणसी इज इन यूपी वाराणसी इज ऑल्सो दिस कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नरेंद्र मोदी राइट वाराणसी इज द राइट ऑप्शन विथ सिटी विल होल्ड होस्ट द जनरल असेंबली ऑफ इंटरपोल पहले तो आप लोगों को इंटरपोल की फुल फॉर्म पता चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जनरल असेंबली को कौन होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की द करेक्ट आंसर इज दिल्ली दिल्ली इज गोइंग टू ऑर्गेनाइजिस इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस इन फुल फॉर्म है लियोन फ्रांस में इसका हेड क्वार्टर है 1923 में फॉर्म हुई थी जर्गन स्टॉक इसके सेक्रेटरी जनरल है एंड अहमद नसीर अल रईसी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली में हो रहा है जनरल असेंबली हो रही है इंटरपोल की इंटरपोल एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जो है किस सिटी ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड करेक्ट आंसर इज हैदराबाद वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड हैदराबाद को मिला है हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना ठीक है विच कंट्री होस्टेड वुमेन्स एशिया कप किसने एशिया कप जो है होस्ट uh, किया था इंडिया ने जीत लिया है इसे श्रीलंका को हरा कर तो किसने जो है होस्ट किया था बांग्लादेश इज द राइट आंसर तो इंडिया हैज वन इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारे लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव अश्विनी वैष्णव हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं ठीक है उन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट रेक एट विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम का बना हुआ है बेसिकली ये एंड विच आर द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर इसको एल्यूमिनियम वाले को इंट्रोड्यूस किया गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेक क्या होता है वॉट इज वट यू अंडरस्टैंड बाय रेक रेक जो होता है ट्रेन होती है जो वैगन्स को कैरी करती है ठीक है तो आ, रेक जो होती है ऑफ पैसेंजर कोचेस कह सकते हो ठीक है देन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन विच इज इन उड़ीसा देन कोनार्क सन टेम्पल भी ओडिशा में ही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितनी डिजिटल डिजिटल बैंक यूनिट्स जो है नेशन को आ, डेडिकेट करी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सेवेंटी फाइव करी मोस्टली सेवेंटी फाइव ही ओरियन चीजें क्योंकि सेवेंटी फिफ्थ इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं राइट right? इंडिया के इंडिपेंडेंस को सेवेंटी फाइव ईयर्स होने वाले हैं यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर भी हैं मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं अमित शाह उन्होंने लॉन्च किया एम बी कोर्स हिंदी में फॉर द फर्स्ट टाइम किस कंट्री में हुआ है ये इट हैज़ बीन डन इन भोपाल आप लोग सुन रहे होंगे भोपाल मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश हैज बिकम दैट वन स्टेट जहाँ पर एम अब हिंदी में पढ़ाया जाएगा ठीक है डॉक्टर जो आप बनेंगे उसकी पढ़ाई हिंदी में होगी गथा स्वराज की गैलरी आई है ग्वालियर फेमस एच एच महाराज शिवाजी राव स्क इंडिया म्यूजियम में किसने इनोग्रेट करी है ठीक है किसने इनोग्रेट करी है इनागरेट से ज्यादा ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आई है गथा स्वराज की सो so इट हैज़ कम अप इन ग्वालियर ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में आई है तो इट हैज़ बीन लॉन्च बाय अमित शाह अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है ठीक है फिर जनरल uh, असेंबली कौन सा एडिशन हो रहा है इंटरपोल का न्यू डेली में नाइन्टीथ एडिशन हो रहा है देन पैंडमिक डिसरप्शन एंड ओडिशाज लेसन इन गवर्नेंस क्या डिस्ट्रप्शन रहे तो इन सब चीज़ों को लेकर कौन रिलीज कर रहा है नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सी एम है उन्होंने ये बुक लॉन्च करी है बस ये कम ही पूछेंगे वैसे तो देन ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं बंधन बैंक right के सौरभ गांगुली इज द राइट आंसर अब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आप लोग को पता होगा रॉजर बिनी है बट उससे पहले सौरभ गांगुली थे ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर राइट विद दिस वी कम टू एन एंड फिफ्टीन बुक्स आप लोग uh, ले सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट To prepare. अगर आप लोग बुक्स देख रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ वन फोर डबल नाइन जी टी एन लैंग्वेज टेस्ट अगर आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है बैच आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को ई e बुक्स चाहिए और सारे सेक्शन प्रिपेयर करने हैं फिजिकल बुक्स नहीं मिलेंगे अवेलेबल है फुल फ्लेजेड बैच आप लोग फटाफट से ज्वाइन करो थर्टी जनवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू इस बैच में आप एनरोल करिए एंड आपके साथ सारा सिलेबस कवर हो रहा होगा फ्रॉम ए टू जी ईच एंड एवरी थिंग एट द कॉस्ट ऑफ सिक्स ट्रिपल नाइन फटाफट से कॉल कर लो आप इस नंबर पे सिक्स थ्री नाइन सेवन डबल सिक्स डबल टू वन टू सिक्स थ्री नाइन सेवन डबल सिक्स डबल टू वन टू कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर दो आपको जरूर रिवॉर्ड किया जाएगा ठीक है आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर पोजिशन यू आर इन आप लोग अर्ली एस्ट आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर लीजिए सब लोग एट द कॉस्ट ऑफ सिक्स ट्रिपल नाइन पर ये कोर्स अवेलेबल है एंड ये ऑफ पर चल रहा है फटाफट से एनरोल कर लो सभी लोग एंड इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंट्रेंस प्रपरेशन कोर्स आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अच्छा uh, कितने बजे स्टार्ट होगा कितने बजे स्टार्ट होगा Uh, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पूरे टेलीग्राम ग्रुप पे uh, मिल जाएगी जो जो स्टूडेंट्स एनरोल करते जा रहे हैं उन सभी को ऐड कर दिया जाता है अच्छा इन्हीं बैचेस से बच्चे आज नॉर्थ कैंपस में इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज बैचेस हमने इतनी अच्छी प्रेपरेशन करी है बच्चों के साथ राइट right, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट कोर्स है ये डेड यूनिवर्सिटी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बी एच इन सब चीज़ों इन सब कोर्सेज के लिए बेस्ट है इन सब कॉलेजेस क्लेम्स इनके अंदर जो कोर्सेज हैं आपको बताए गोकुल सर डिसाइड करते हैं फॉर ईच स्टूडेंट कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए कौन सा बेस्ट है करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं ये ठीक है, है थीके? तो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं एंड ऑल ऑफ अस आर हियर टू हेल्प यू इन फैक्ट मैं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की पास आउट हूँ आई एम डूइंग माई लॉ फ्रॉम कैंपस लॉ सेंटर तो ये सब हमारी एक्सपर्टीज़ आप लोगों को बहुत काम आने वाली है राइट थैंक यू सो मच प्लीज़ टेक केयर ज्वाइन कर लो लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप को फ्री बैचेस जाकर चेकआउट करो वन रूपी बैच चेकआउट करो एंड पेड बैचेस भी आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो फुल फुल्लेजेड क्लासेस जो है स्टार्ट होने वाली हैं ज्वाइन कर लो एंड सी यू टी बाई वो कुछ जो है टेलीग्राम चैनल इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो सारी अपडेट्स के लिए बहुत ईजी रहेगा ठीक है कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे फिर ठीक है ऑल राइट थैंक यू सो मच प्लीज टेक केयर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय कीप लर्निंग बाय